बसमीमहमद हुन सल अहमद रसोल करीम ये सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन थर्ड सेमेस्टर का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक 2019 में ये क्वेश्चन नंबर वन का आ, वन का वाह है एक मैट्रिक्स दे रखी है, बू है ए जिसके फर्स्ट रो के एलिमेंट जीरो वन टू सेकेंड रो के एलिमेंट वन जीरो माइनस वन थर्ड रो के एलिमेंट टू माइनस वन जीरो है ए की वैल्यू इतनी हो तो ए स्क्वायर ज्ञात करो ये प्रॉब्लम है हमने सॉल्व किया था इसको और ए स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड करना है हमको तो इसको ए इंटू ए कर देंगे ए इंटू ए करके इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है इसका वीडियो डिलीट हो गया था हमसे एक्सीडेंटली तो इसको हम इसको पढ़ के बता देते हैं आपको तो ए स्क्वायर फाइंड करना तो ए इंटू ए की वैल्यू जो गिवन थी वो यहाँ पर हमने लिख दी है और ए स्क्वायर अगेन ए की वैल्यू लिखी हुई है और हम लोग जानते हैं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम लोग रो बाई कॉलम से करते हैं यानी फर्स्ट वाले का हम रो लेते हैं सेकेंड वाले का कॉलम लेंगे अगर हमने फर्स्ट रो लिया है तो इसमें फर्स्ट रो में ही लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में जब इंटू करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और सेकेंड कॉलम में जब इंटू कर देंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट रो में इंट्रू करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे फर्स्ट रो को ही कंसिडर कर रहे हैं तो फर्स्ट रो में ही लिखना है फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे सेकेंड कॉलम में इंट्रू करेंगे सेकेंड कॉलम में लिखेंगे थर्ड कॉलम में इसका इंटू करेंगे तो थर्ड कॉलम में लिखेंगे और लिखना हमें फ़र्स्ट रो में क्योंकि हम फर्स्ट रो लेके इन तीनों कॉलम में इंट्रू करके तीनों ही कॉलम में लिखेंगे अलग अलग फर्स्ट सेकेंड थर्ड में तो रो वाई कॉलम इंटू करना है यहाँ पर हमें आगे बढ़ना होता है और यहाँ पर नीचे जाना होता है तो जीरो इंटू जीरो होगा प्लस का साइन लगाएंगे फिर आगे चलेंगे वन इंटू वन करेंगे फिर प्लस का साइन लगाएंगे टू इंटू टू करेंगे वो हमने इस वाली फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिख दिया अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में इंटू हो रहा है तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में लिख रहे हैं यानी फर्स्ट रो ये है और सेकेंड कॉलम ये है तो इसमें लिख रहे हैं और इधर हम आगे जाएंगे इधर नीचे जाएंगे यानी जीरो इंटू वन तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर फिर उसके बाद वन प्लस का निशान लगा के वन इंटू जीरो फिर प्लस टू इंटू माइनस का वन क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद ये प्लेस है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम का तो थर्ड कॉलम में जब इंटू करेंगे फर्स्ट रो का तभी इंटू होगा तो फर्स्ट रो का इंटू जब थर्ड कॉलम में करेंगे इधर हमें आगे जाना होगा और यहाँ पर हमें फिर जाना होगा नीचे जाना होगा तो इस तरफ ज़ीरो इंटू टू प्लस वन इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू ज़ीरो जिसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये सब एलिमेंट लिखने के बाद हम लोग आप सेकेंड रो को लेंगे और इसका इंटू तीनों कॉलम में करके यहाँ पर तीनों कॉलम में लिखना होगा तो फर्स्ट रो सेकंड रो को लेंगे और इसमें फ़र्स्ट कॉलम में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आगे जाना होता है इधर नीचे जाना होगा इधर आगे जाना होता है रो में और कॉलम में नीचे जाना होता है तो वन इंटू ज़ीरो प्लस का साइन लगाएंगे जीरो इंटू वन प्लस का साइन लगाएंगे माइनस वन इंटू टू हो जाएगा जिसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड रो में के फ़र्स्ट कॉलम में लिखा था अब सेकेंड रो ही है ये और ये फर्स्ट कॉलम था ये सेकंड कॉलम ये थर्ड कॉलम है तो अब हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को ले रहे हैं जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा सेकंड रो और सेकेंड कॉलम की पोजीशन पर तो इधर आगे बढ़ना होगा यहाँ नीचे आना होगा वन इंटू वन प्लस जीरो इंटू ज़ीरो प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है ये प्लेस है सेकेंड रो के थर्ड कॉलम की है तो सेकेंड रो को ले कर मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से जो वैल्यू मिलेगी उसको हमें लिखना होगा इधर आगे जाना होगा इधर नीचे तो वो वन इंटू टू प्लस जीरो इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी अब थर्ड कॉलम का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टू इंटू ज़ीरो प्लस माइनस वन इंटू वन प्लस टू इंटू ज़ीरो हो जाएगा फिर जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर टू इंटू वन कर लेंगे तो माइनस वन इंटू ज़ीरो कर देंगे और फिर ज़ीरो इंटू माइनस वन कर देंगे इसी तरीके से हम जब यहाँ पर इंटू uh, कर देंगे यानी रो बाई कॉलम से इंटू करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ये तो हमने सेकेंड रो थर्ड रो और सेकेंड uh, कॉलम का किया अब ये पोजिशन है थर्ड रो थर्ड कॉलम की तो थर्ड रो लेंगे और थर्ड कॉलम लेंगे टू इंटू टू किया प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन किया ज़ीरो इंटू जीरो किया इसको यहाँ पर लिखा हुआ है अब इसको हम लोग ये जोड़ घटा लेंगे जीरो इंटू ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो हो गया वन इंटू वन करेंगे वन आ गया टू इंटू टू करेंगे फोर हो जाएगा इसी तरीके से बाकी सारे कर लेंगे ज़ीरो इंटू वन जीरो हो गया वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया और टू इंटू माइनस वन करेंगे तो माइनस टू हो गया ऐसे यहाँ पर टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया और वन इंटू माइनस वन करेंगे तो ये वैल्यू माइनस वन हो जाएगी और टू इंटू ज़ीरो करेंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो आ गई इसी तरीके आप सेकेंड रो को देखेंगे वन इंटू ज़ीरो जीरो हुआ ये जीरो इंटू वन जीरो हो गया और माइनस टू इंटू वन माइनस टू हो गया अब इस एलिमेंट को लिखेंगे वन इंटू वन बना गया ज़ीरो इंटू ज़ीरो जीरो हो गया माइनस वन को माइनस वन मिनट प्लस वन हो गया इसमें इंटू करेंगे वन इंटू टू टू हो गया ज़ीरो इंटू माइनस वन जीरो हो गया माइनस वन इंटू ज़ीरो करेंगे तो जीरो हो गया अब थर्ड रो को देखेंगे टू का जीरो में इंटू करेंगे जीरो आ गया और माइनस वन का माइनस माइनस वन का वन में इंटू करेंगे तो माइनस का वन आ गया जीरो इंटू टू करेंगे जीरो हो जाएगा टू का वन में इंटू करेंगे टू आ गया माइनस वन का जीरो में इंटू करेंगे जीरो हो जाएगा माइनस वन जीरो का माइनस वन में इंटू करेंगे ज़ीरो आ जाएगा टू इंटू टू फोर हो जाएगा माइनस माइनस का इंटू माइनस वन का इंटू माइनस वन में प्लस का वन हो गया और जीरो हो गया ये वन और फोर ये हो गया हमारा फाइव और माइनस uh, टू ऐसे लिख देंगे माइनस वन पचास को लिख देंगे ये माइनस का टू लिखा हुआ है ये वन वन टू हो गया है टू ऐसे लिख दिया माइनस वन भी ऐसे लिख देंगे टू इसमें जोड़ के लिख देंगे जीरो में फोर और वन जोड़ के फाइव हो जाएगी इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है यानी इस कर की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल गई है थैंक यू वेरी मच इंडीट फॉर लिसनिंग मी वाह आखर उदावाना रब्बिल आलमीन